खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी ग्रोइंग गेम्स 2022 का आयोजन होने वाला है और देख सकते हैं आप कि उसके तहत जो यहां पर 27 मई से 31 मई तक जो रोइंग कंपटीशन होना है रामगढ़ताल, गोरखपुर का रामगढ़ताल, यहां पर आप देख सकते हैं तैयारियां चल रही हैं पूरी तरह से और कुछ ही दिन शेष बचे हैं। तो ये आप देख सकते हैं बेस बनाया गया है और अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं, चूँकि 25 बोट मंगाई गई है भोपाल से और उन अलग अलग बोट हैं, वन सीटर है, टू सीटर बोट हैं और सब सारी जो बोट हैं वो अत्याधुनिक बोटें हैं जो रोइंग कंपटीशन यानी जो पानी में होने वाला जो जो कंपटीशन होता है उसके लिए है। और 5 दिन तक ये कंपटीशन चलेगा और इसी रामगढ़ताल में इसका आयोजन होगा और पूरी संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। और अलग अलग रो बनाई गई है ये पॉइंट्स के माध्यम से, पानी में आप देख सकते हैं छोटे छोटे बॉल दिखाई दे रहे हैं और एक ट्रैक भी बनाया गया, बेस बनाया गया है जो ये तय करेगा कि इसके आगे नहीं जाना है उन्हें। और ये अलग तरह का कंपटीशन है जो पहली बार गोरखपुर में हो रहा है और रोइंग कंपटीशन है, वाटर स्पोर्ट्स से जुड़ी जो एक्टिविटी है वो पहली बार हो रही है गोरखपुर के रामगढ़ताल में। तो एक मौका है गोरखपुर के जो ऐसे खिलाड़ी हैं जो वाटर स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो 27 से 31 मई तक का इंतज़ार है और काफ़ी खास होने वाला है गोरखपुर के और ख़ासकर युवा खिलाड़ियों के लिए ये मौका है जब इस कंपटीशन को देख सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर 24 विश्वविद्यालय के 471 जो युवा खिलाड़ी आएंगे उनकी प्रतिभा को देखकर अपना करियर भी इस फील्ड में यहाँ के युवा बना सकते। खेलो इंडिया के तहत यूपी के 4 जिलों में वाटर स्पोर्ट्स का कंपटीशन होना है, रोइंग प्रतियोगिता होनी है और यही 24 विश्वविद्यालय के 471 जो युवा खिलाड़ी हैं वो गोरखपुर में होने वाली 27 से 31 मई तक होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेंगे। आप देख सकते हैं 25 जो बोट हैं वो आ चुकी हैं, फाइबर की बनी हुई ये आपको अत्याधुनिक जो बोट है वो दिखाई देगी। वाटर स्पोर्ट्स में एक अलग जो दुनिया होती है वो होती है और महानगरों में ही इस तरह के जो रोइंग कंपटीशन होते हैं वो होते हैं। और जो यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं खेलो इंडिया के तहत, वो गेम्स यहाँ पर होने हैं और पहली बार ऐसा मौका है जब गोरखपुर में वाटर स्पोर्ट्स के जो कंपटीशन हैं वो 27 से 31 मई तक होंगे। तो एक बड़ा ये आयोजन हो रहा है और केंद्र के अलावा योगी सरकार का एक बड़ा बहुत बड़ी ये पहल है। और जो खिलाड़ी कभी इस तरह के कंपटीशन जो जल क्रीड़ा यानी वाटर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए कंपटीशन थे उनको नहीं जानते रहे, यहाँ के उन खिलाड़ियों को भी एक सुनहरा अवसर भी यहाँ पर मिलेगा और वो देखकर आगे बढ़ सकेंगे। राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वाटर स्पोर्ट्स से जुड़ी गतिविधियाँ हैं उन गतिविधियों में वो भाग ले पाएंगे। और 471 युवा खिलाड़ी यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर गौरव जी हैं हमारे साथ, गौरव जी से जानते हैं कि किस तरह की का ये वाटर स्पोर्ट्स है और किस तरह का आयोजन हो रहा है। जी, ये रोइंग का कंपटीशन है जो कि आपका 27 तारीख से 31 तारीख तक होना है यहाँ पे खेलो इंडिया के तहत, जो कि 24 यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं गोरखपुर में। अच्छा, यहाँ पर जो कंपटीशन है ये नाव देख रहे हैं कहाँ से आई हैं और किस तरह है कि ये अत्याधुनिक बोट है? ये नाव जो हैं आपकी रोइंग की स्पेशलिस्ट बोट हैं जो कि आपका इंटरनेशनल बोट्स हैं और ये भोपाल से लाई गई हैं कंपटीशन के लिए। इसके बाद जैसे ये कंपटीशन सक्सेसफुल होगा तो कुछ न्यू बोट्स आपकी यूपी गवर्नमेंट की तरफ से इस बिल्डिंग को दिया जाएगा। अच्छा, 471 युवा खिलाड़ी आ रहे हैं तो गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र की अगर बात करें तो जो युवा हैं जो वाटर स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए कितना बड़ा ये मौका होगा? जैसे ही ये यूनिवर्सिटीज गेम ख़त्म हो जाएंगे तो यहाँ पे खुद एक रोइंग एकेडमी या फिर वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने तारीख यहाँ पे हो पाएंगे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ उसके लिए ये बिल्डिंग बनाई गई है और यहाँ से प्रॉपर तरीके से एक रेगुलर वे में आपका यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी प्लस आपका जो ऐसे नॉर्मल करना भी चाहते हैं एज अ हॉबी वो भी कर सकते हैं, कंपटीशन की तैयारी भी कर सकते हैं, एज अ फिजिक अपना मेंटेन करने के लिए जो लोग प्रॉपर करना चाहते हैं वो भी आके यहाँ पे कर सकते हैं ऐसा यहाँ का। तो कई अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग यूनिवर्सिटी के यहाँ पर खिलाड़ी आएंगे, तो आप कब से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर कितने दिन हो गए? जी, मैं 3 साल से यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ। इसके पहले मैं पुणे में एज ए आर्किटेक्ट काम कर रहा था, बट यहाँ पे आने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि भाई मेरा शहर है, मेरा घर है और यहाँ रह के कुछ क्यों ना नया किया जाए, तो इसके लिए
हमारी समिति निशान नौकायन विकास समिति है, जो कि मेरे पिताजी ने शुरू किया था ये आपका 98 में ये बोटिंग को लेकर के, और आज हमारी समिति यहाँ पे बोटिंग कराती है। 1972 के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत ये हमारी सोसाइटी बनी हुई है, जो कि इन सब चीज़ों को लेकर के जल क्रीड़ा को लेकर के हमेशा उसमें आगे रहती है, और उसको लेकर के जितना हम आगे बढ़ा पाए उसमें हमारा पूरा प्रयास रहता है। रामगढ़ ताल है यहाँ पर, अब वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बन गया है। तो अगर बात करें क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, जो ग्राउंड पर खेलने वाले इंडोर आउटडोर गेम होते हैं तमाम यहाँ पर होते हैं, तमाम स्टेडियम भी हैं, लेकिन वाटर स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो पहली बार ऐसा मौका है कि जल क्रीड़ा से जुड़े हुए जो खेल होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, उसको यहाँ पर लोग देखेंगे। तो किस तरह की तैयारी चल रही है और कितना अलग है ये, चूँकि कहा जाता है कि बड़े महानगरों में इस तरह के जो गेम्स होते हैं वो देखने को। जी बहुत सही आपने ये बात बताया, जैसे कि यहाँ पे लोग इस चीज़ को अभी उतना जानते नहीं थे, यहाँ के जो लोकल्स हैं। बाहर आप जाएंगे, भोपाल हो गया आपका, बनारस हो गया, इलाहाबाद हो गया, जहाँ पे बड़ी बड़ी नदियाँ और बड़े बड़े तालाब है वहीं पे लोग ये लोग जानते हैं कि वाटर स्पोर्ट्स नाम की भी कोई चीज़ होती है। गोवा जाते हैं लोग, आपके मुंबई जाते हैं लोग, तो यहाँ पे लोग जाके घूमते हैं। बट महाराज जी की कृपा से आज की डेट में ये ऐसा है कि यहाँ के लोग भी पूरा जानने लगे हैं कि ऐसी वाटर स्पोर्ट्स नाम की भी एक स्पोर्ट्स होता है, जो कि लोग स्पेशल तरीके से खेलते हैं। अभी तक सिर्फ तैराकी ही लोग जानते थे, बट आज ये रोइंग का कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो रोइंग हो गया, कैनोइंग हो गया, सेलिंग हो गया, कायकिंग हो गया, कई सारे तरीके के वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ अब इस तालाब में इसी साल से शुरू हो जाएंगे। यानी गोरखपुर और आसपास के जो क्षेत्र है, पूर्वी यूपी का, पूर्वांचल का क्षेत्र है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का मौका मिलेगा यहाँ के जो खिलाड़ी हैं, चाहे उनके अभिभावक। हाँ जी, इस चीज़ को तो और भी है कि यहाँ आपके जो देवरिया हो गया, संत कबीर नगर हो गया, आपका कुशीनगर हो गया, कुशीनगर आपका इंटरनेशनल स्पॉट है, यहाँ आप भी जानते हैं कि बहुत सारे लोग विदेशी सैलानी यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, और इस तरीके से ये भी आपका एक सेंटर है गोरखपुर, जिसके चारों तरफ आपका घिरा हुआ इंटरनेशनल टूरिज्म से, आपका नेपाल कह लीजिए, अयोध्या कह लीजिए, आप कुशीनगर कह लीजिए, तो ये सब चीज़ें इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, और गोरखपुर एक हब है, एक सेंटर है, और ये एक टाइम पे ऐसा आएगा कि हाँ महाराज जी के पास ये पूरा का पूरा वर्ल्ड में पूरा फेमस हुआ कि हाँ गोरखपुर के भी लोग यहाँ से ओलंपिक्स निकाल रहे हैं और ओलंपिक्स से मेडल भी लेके आ रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब जो यहाँ के ऐसे युवा हैं जो ऐसे वाटर स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी एक मौका है, और यही वजह है कि 27 से 31 मई तक होने वाले वाटर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, जो यूनिवर्सिटी रोइंग गेम्स दो प्रतियोगिता है यहाँ पर जो शुरू होने वाली है, उसमें सुनहरा अवसर तलाश रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान भी बना सकते हैं। तो ज़ोर शोर से तैयारियाँ चल रही हैं और 471 खिलाड़ी पूरे 5 दिन तक यहाँ पर अपने जो रोइंग गेम्स हैं वो दिखाएंगे और जो कंपटीशन हो रहा है उसमें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स रोइंग जो प्रतियोगिता है वो गोरखपुर में 27 से लेकर 31 मई तक होने वाली, और आप देख सकते हैं जो खिलाड़ियों के आने का सिलसिला है वो जारी है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर स्वागत हो रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं गर्ल्स भी हैं और जो बॉयज़ हैं वो भी हैं, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज से लगातार जो खिलाड़ी हैं वो पिछले एक दिन से लगातार आ रहे हैं, और कल तक खिलाड़ियों के जो आने का सिलसिला है जारी रहेगा। गोरखपुर में जो रोइंग प्रतियोगिता होनी है रामगढ़ ताल पर होगी, और 24 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं देश की, 24 विश्वविद्यालयों के कुल 471 खिलाड़ी यहाँ पर आएंगे और उनके अलग अलग रहने की व्यवस्था की गई। देखिए, एक टीम यहाँ पर आई हुई है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 है ये, और यहाँ पर देखिए तमाम खिलाड़ी, इनसे बात भी कर लेते हैं। बताइए क्या नाम है और कहाँ से आप? हम नासिक से है, मेरा नाम काजल दिलीप पादे है, हम रोइंग की प्लेयर है। कितने साल से आप कर रही हैं ये? हम एक साल से। हाँ, कितना इसमें स्कोप दिखाई देता है? अच्छा है। अच्छा, आप पहुंची यहाँ 5 दिन तक यहाँ पर टूर्नामेंट चलना है, तो कितना आप लोगों के लिए यादगार क्षण होगा और जो वेलकम हुआ है उसके लिए क्या कहना है? कोई नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? कोमल बोड़के। कैसा लग रहा है गोरखपुर? बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ सुना है गोरखपुर के बारे में? सुना तो है, नेट पर पढ़ा था। क्या जानती है गोरखपुर? रामगढ़ तालाब के यहाँ पर हमारी स्पोर्ट्स प्रतियोगिता है, उसके बारे में पढ़ा था न्यूज में। और भी खिलाड़ी यहाँ पर हैं। अच्छा, कहते हैं जो रामगढ़ ताल है वो जुहू चौपाटी की तरह दिखता है, बिल्कुल वैसा ही नज़ारा दिखता है, यहाँ के लोगों के लिए मिनी जुहू चौपाटी जैसा, क्या कहना है? हम तो पहली बार आए, अभी देखेंगे जाके कैसा लगता है ऐसा। अभी कितना आपके अंदर एक्साइटमेंट है 5 दिन आप लोगों को रोइंग प्रतियोगिता में भाग लेना? एक्साइटमेंट तो बहुत है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स से, इसलिए
हम अभी खेलेंगे। आप आइए आगे, आप बताइए कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है यहाँ। कई विश्वविद्यालय आए हुए हैं तो जो कंपटीशन आपको है, लग रहा है आप लोग अपना सबसे अच्छा दे पाएंगे परफॉर्मेंस? हम तो हमारा 100% देंगे मेडल। और भी खिलाड़ी हैं, देखिए युवा यहाँ पर इतने सारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, सबका चेहरा हम आपको दिखाते हैं, उत्साह से भरा हुआ है। और जान भी लेते हैं, बताइए कहाँ से हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम यश निसाले, हम महाराष्ट्र आए, हमारा स्पोर्ट रोइंग है। इस खेलो इंडिया का मैच है, इधर हम उधर से आए, ट्रेन प्रवास करके आए नासिक में, नासिक से हम प्रॉपर नासिक के। और कितना जोश आपके अंदर है जीत का, कितना उत्साह है, कितनी मेहनत करेंगे? जीत का तो बहुत उत्साह है, मेहनत भी बहुत सारी की है और इधर से हम मेडल लेकर जाएंगे। चलिए मेडल लेकर जाएंगे, जो उत्साह है वो दिखाई दे रहा है। ये बताइए, नासिक से आप आए हैं, गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर है, तो क्या जानते हैं उनके बारे में, क्या कहना चाहते हैं? बहुत सारा नाम सुना है, जब भी देखते थे गोरखपुर शहर का नाम सिर्फ टीवी में, या आदित्य योगीनाथ का नाम सिर्फ टीवी में ही देखा है। आज सामने प्रत्यक्ष आके देखा है हमने कि बहुत सुंदर है अपना शहर गोरखपुर, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। जीत का उत्साह भरा हुआ है आपके अंदर, जीतने की पूरी कोशिश करेंगे? हाँ, सभी बच्चे बहुत तैयारी करके आए इधर और बहुत अच्छे से खेलेंगे। आप बताइए क्या नाम है आपका? और नाम है सुनील धोंडगे, यहाँ ये सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का कोच हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, जो अभी रोइंग गेम जो है ये खेलो इंडिया के एडिशन में पहली बार आ रहा है, तो इसकी वजह से गोरखपुर का नाम तो पूरे देश में जाएगा ही जाएगा, लेकिन ये जो वाटर स्पोर्ट्स है वो भी पूरे इंडिया में होगा। यहाँ के जो खिलाड़ी हैं जो इस स्पोर्ट्स के बारे में जानते भी नहीं है, तो पहली बार ऐसा गेम यहाँ पर हो रहा है, तो लग रहा है कि उनको भी एक मौका मिलेगा करियर बनाने के लिए। खेलो इंडिया जो गेम्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं उसकी वजह से पूरा यूपी में जो वाटर्स के जो भी उपलब्धियाँ है उसका यूज़ इसमें किया जाएगा और यूपी में भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी पैदा होंगे। और ये जो सभी बाहर से आए हुए बच्चे जो अलग अलग यूनिवर्सिटी से, उसका जो एम्स है विनिंग का, वो इनके यहाँ के जो समाज है उनको भी मिलेगा और यूपी भी इस खेल में आगे जा सकता है। चलिए, दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म रहा है जहाँ आप खड़े हैं अभी, और अब दूसरे स्थान पर है, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है, हम पहली बार तो हमारे मतलब खेलो इंडिया पे रोइंग ऐड हुआ है, बहुत आनंद है हमें। मतलब जो रोइंग पहुंचना चाहिए दुनिया तक वो भारत से पहुंच रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बस इतना ही। क्या कहना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ जी के लिए? योगी जी का नाम तो बहुत सुना है और हम महाराष्ट्र में भी बहुत फैन है, मतलब जो और कुछ नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी का नाम तो आपने सुना होगा, इसी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है, उन्होंने अच्छी व्यवस्था भी की हमारे लिए, ऐसी व्यवस्था हम पहली बार देख रहे हैं हमारे गेम में और उत्सुकता तो बहुत ही है। अच्छा, आपको मौका मिलेगा गोरखनाथ मंदिर जाने का भी मौका मिलेगा, और कुशीनगर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है, तो क्या लग रहा है, कितना सुनहरा अवसर आपके लिए? हमने उसके बारे में बहुत सुना है, मतलब गोरखपुर और राम मंदिर उसके बारे में, हाँ गोरखनाथ मंदिर बहुत सुना है, तो उसको भेंट देने में हमें भी बहुत आनंद होगा। और ये पहली बार हो रहा है कि वो प्लेयर्स को गोरखपुर घुमाने भी वाले हैं, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी पहली बार हो रहा है, और रोइंग गेम ये हर घर तक पहुँचे, जैसे जॉलिन थ्रो और क्रिकेट है, और हर घर तक पहुँचेगा तो इस गेम की भी क्रिकेट की जैसे और भी मान्यता बढ़ेगी, तो हमें बहुत आनंद है कि हमारा गेम भी हर घर तक पहुंचेगा। देखिए, खिलाड़ियों में उत्साह भी, और जो 5 दिन है वो गोरखपुर और यहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए भी खास होने वाला है, चूँकि नासिक से जो टीम आई है वो स्वागत से पूरी तरह गदगद है और पूरा अपना जोर और शोर लगा देंगे जीतने के लिए, ऐसा उनका विश्वास भी है कि वो जीतेंगे, और यही उत्साह जो है वो खिलाड़ियों के अंदर जोश भर रहा है जो अगले 5 दिन तक दिखाई देगा। इस दौरान उन्हें गोरखनाथ मंदिर के अलावा कुशीनगर बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली जाने का भी मौका मिलेगा। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।